इन क्लास टुडे वी डिस्कस अबाउट इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसको अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोल सकते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है? इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मतलब होता है जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उसमें प्लेक या फैटी एसिड का सब्सटेंस, मतलब फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसको अपन कोरोनरी आर्टरी या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। आज अपन डिस्कस करते हैं। एक्सेसिटी, व्हाट इज़ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड हाउ इज डज अकर। अपन पहले एनाटॉमी देखते हैं। द कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसमें जो प्लेग एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है जिससे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, उसको अपन डिस्कस करते हैं आगे। जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, द आर्टरी एंड द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक, फिर ये अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज टू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बैक ऑफ द स्पेक्ट्रम कोरोनरी वेन। पेरिफेरल, जैसे आयोटा आर्टरीज, आर्टरी से आर्टरियोल, उससे कैपिलरीज, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होती है वो कैपिलरीज होती है। वेन के अंदर वेन होती है सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, इसकी थ्री लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिटिया। स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, जैसे अपन आर्टरी होती है, आर्टरीज से इंटीमीडिया ल्यूमन होगी, ल्यूमन से अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो ट्यूनिका इंटीमा होती है, फिर ट्यूनिका मीडिया होती है, फिर ट्यूनिका एडवेंटिया होती है। पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के अंदर अपना सर्कुलेशन है, सेकंड है अपना पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी है, लेंथ है, डायामीटर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हार्ट के अंदर सप्लाईज अपन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ इस्कीमिया, इस्कीमिया रेफर्स टू इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड, द कोरोनरी आर्टरीज आर द वन सोर्स ऑफ ब्लड फॉर द हार्ट मसल्स, इफ दिस कोरोनरी आर्टरीज आर ब्लॉकेज द ब्लड सप्लाई विल रिड्यूस। इसका कहने का मतलब है जो ब्लड के अंदर कोरोनरी आर्टरी है, अगर उसमें इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुँच रहा है या जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की जो मसल्स है उस तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसमें प्लेग इकट्ठा हो जाता है, उससे फिर प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है और पेशेंट सिंकोप भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है। इसके अपने की कंपोनेंट्स देखते हैं। इस्केमिया हार्ट डिजीज़, इसको अपन शॉर्ट में IHD, इस्केमिया हार्ट डिजीज़ कॉज बाई कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्मेशन विच लीड टू इनबैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड रिजल्टिंग इन मायोकार्डियम इस्केमिया। जो हार्ट की मसल्स है उस तक ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होने से इसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, तो उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। चेस्ट पेन का अपन कार्डिनल सिम्टम ऑफ मायोकार्डियम इस्केमिया कॉजेज बाय द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को इस्केमिया की वजह से। इसके अपन देखते हैं कारण क्या हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। अगर पेशेंट ये नॉन मॉडिफाई है, जैसे फैमिली हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन या कोई CAD हो, जैसे ये वेरीज करती है, जैसे फीमेल के अंदर ज़्यादातर ये फीमेल में, मतलब कंपेयर टू मेल, फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। फीमेल में आफ्टर मीनोपोज होते हैं, जिससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उससे इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट मरीज में, तो इसमें फीमेल के चांसेस ज़्यादा है। जो मेल है उनको चांस कम है ओबेसिटी होने के कंपेयर टू फीमेल।
इसमें अपन देखते हैं पेशेंट को मतलब जो ओबेस पेशेंट है उनमें भी ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और फिर इसमें अपन देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग के अंदर पेशेंट में निकोटीन होता है, निकोटीन के अंदर निकोटीन होता है तो क्या होता है, जो आर्टरी होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको चांसेस सीईडी होने के। अल्कोहल, जो अगर एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, तो हाइपरटेंशन होगी तो पेशेंट को सीईडी हो सकती है, चांसेस है। डायबिटीज़ मलाइटस है कोई पेशेंट को, तो उससे उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ मलाइटस ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पेशेंट को जो ब्लड में आर्टरी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, तो उसको चांसेस सीईडी होने। ओबेसिटी पेशेंट है, ओबेज है वो, तो उसमें फैट कंजप्शन, फैट फैट का एक्युमुलेशन है, तो उसको भी मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको भी चांस है। अगर किसी को स्ट्रेस है, रिस्क फैक्टर कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल में आ जाएगा सेक्स, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, हेरिडिटी है, रेस है और एज है। कंट्रोलेबल के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है एंड एंगर है। स्ट्रेस के अंदर अपन ने देखा कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय से वो स्ट्रेस में है, तो उसमें मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जिससे बीपी इंक्रीज होता है, जिससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें जो ब्लड की वेसल्स है उसमें लिपिड की जो डिपोजिशन है वो इंक्रीज है, तो पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया होने के, हाइपरलिपिडीमिया है तो उससे सीईडी होने के चांसेस है। पैथोफिजियोलॉजी अपन देखते हैं, इसमें अपन ने देखा जो ब्लड की आर्टरी उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, जिसमें प्राइमरी इफेक्ट इंटीमा होगी, फिर एंडोथीलियम इंजर्ड होगी, जिससे प्लेग फॉर्मेशन होगा, उसमें जो थिकनेस है पेशेंट में मतलब जो प्लेग है वो थिकनेस, एक्सटेंड ऑफ द कैल्सिफिकेशन होगा, जो ल्यूमन है वो नैरो ही होंगी, उसमें मतलब प्लेग का अल्सरेशन होगा और कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा पेशेंट। अपन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन, फोकल एक्यूमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल, फोकल सेल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एंड लिपिड अंडर द एंडोथीलिया ऑफ द आर्टरी विद इन द ट्यूनिका इंटीमा, गिविन टाइम अ प्लेग कैन प्रोट्यूड इन द ल्यूमन ऑफ द वेसल्स रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, ऑफन डेवलप एट ब्रांच पॉइंट कर्व विद इन द वेस्को कल्चर, ब्लड इज स्लो एंड द टर्बुलेशन। जो एथोरेमा होगा, जो इंटीमा है, अंदर की लेयर है, वॉल इज द प्लेग इज बिगन विद द इंटीमा, जो वाल इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी है, व्हाट इज द प्लेग मेड ऑफ, ओ सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होती है, मेड ऑफ द स्मूथ मसल सेल, कोलेजन, इलास्टिन एंड प्रोटीन, आल्सो कंटेन मैक्रोफेजेस, फॉर्म सेल्स एंड टी सेल्स, फॉर्म सेल्स आर द वन ऑफ द फर्स्ट सेल्स फाउंड इन द साइट ऑफ द फैटी स्टिक एंड बिगिन इन द एथेरोस्को प्लेग इन द फॉर्मेशन इन वेसल्स, निकोटिक कोलेस्ट्रॉम क्रिस्टल लिपिड एंड प्रोटीन एंड एलडीएल। जो इंटीमल लेयर है वो अंदर डिपॉजिट होगा, उसमें फैट एक्यूमुलेशन होगा, जिससे ब्लड फ्लो, जैसे अपन ये डायग्राम में दिखाया गया, एंडोथीलियम, इंटीमा और मीडिया, इंटीमा मतलब इनर लेयर, ये फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, नेक्रोटिक सेल है, मोनोसाइट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मूथ मसल सेल्स है, जैसे आर्टरी, ये जैसे डायग्राम दिखाया गया, प्लेग है, प्लेग की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ये एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस विद द ब्लड क्लॉट, स्पाज्म हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा जिससे ब्लड फ्लो नहीं होगा, फिर स्पाज्म हो सकता, ब्लॉकेज इन द राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा पेशेंट को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन देखते हैं क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी को पहले एंजाइना पेक्टोरिस हो लंबे समय से, एसोसिएट सिम्टम में डायफोरोसिस होगा, डायफोरोसिस मतलब पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, नोजिया हो सकता है पेशेंट को, इनडाइजेशन होगा, डिप्सनी होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है वो वैसा कौन सा होगा, तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा जिससे ब्लड फ्लो, बीपी इंक्रीज होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा।
location behind middle और अपर थर्ड ईयर स्टर्नम, रेडिएट होगा पेन, रेडिएट टू नेक, जो शोल्डर, आर्म, हैंड तक, पोस्टीरियर इंटर स्कैपुलर एरिया, पेन अकर मोर कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड देन द राइट, ड्यूरेशन इसका 2 to 15 मिनट। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, अपन क्या क्या करा सकते हैं इसमें पेशेंट को, डायग्नोस्टिक चेस्ट पेन एंड क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट को, नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट को, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के, प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री, या पास्ट में पेशेंट को कोई मतलब हिस्ट्री है उसकी या कोई सर्जरी हुई, फिजिकल कंडीशन असेस करेंगे पेशेंट की, ईसीजी करा सकते हैं, ईसीजी के अंदर एबनॉर्मलिटी जो एक्टिविटी होगी वो ईसीजी में फाइंड आउट करेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज रहेगा पेशेंट के अंदर, शुगर लेवल इंक्रीज अगर डायबिटिक है तो डॉपलर टेस्ट करा सकते हैं, जो डॉपलर टेस्ट है वो इन्वेसिव टेस्ट है, डॉपलर टेस्ट है जो इन्वेसिव टेस्ट है, और जो डिग्री ब्लॉकेज मतलब अपने को नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जो ब्लॉकेज है वो अपने को पता लगता है, और जो किस स्पीड से ब्लड का फ्लो है वो अपन को देखते हैं, रेडियो न्यूक्लियरिटी इमेज करा सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन पैड टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पेशेंट को मैनेजमेंट क्या कर सकते, फार्माटिकल मैंने थेरेपी, एंटी एंजाइनल मेडिकेशन देंगे, नाइट्रोग्लिस जो एंजाइनल ड्रग देंगे अगर पेशेंट को एंजाइनल है तो, अगर नाइट्रोग्लिस पेशेंट को एंटीजी देंगे जिससे वेजो डायलेशन होगा, वेजो डायलेशन होगा तो उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होगी, ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होगा, जो वहाँ पे जो चेस्ट पेन है मतलब जो चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है वो रिड्यूस होगा। पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं और एटिनोल, बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और जो हार्ट पर जो बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं जो ब्लॉकेज करते हैं एपिनेफ्रिन के अंदर, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को, कैल्शियम ब्लॉकर देंगे तो पेशेंट को क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स की जो सेल है जो कैल्शियम का अपटेक करती है ब्लॉकेज, उससे वैसो डायलेशन होगा जो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कोलेस्ट्रॉल, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, एंटी लिपिड एजेंट दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट जो फोलिक एसिड है, बीटा कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, एंटी कोगुलेटन देंगे तो क्या होगा, जो ब्लड के अंदर मतलब क्लॉट बन रहे हैं, थ्रोम्बस बन रहे हैं वो डिजोल्व मतलब क्लॉट बन रहे हैं वो डिजोल्व होकर जो ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देंगे, एंटी कोगुलेटन देंगे तो अपने एस्पिरिन हो एग्जाम्पल, फोलिक एसिड दे सकते हैं अपने पेशेंट को, हाउ टू यू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड द डिमांड। सर्जिकल मैनेजमेंट स्टंट कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी मींस क्या होता है इसको, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी को परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं इसको, पैट पीट सेट कहते हैं, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज उसको डायलेट करके बैलून कैथेटर होता है तो इम्प्रूव द आर्टरियल ब्लड फ्लो कर सकते हैं, उसमें जो स्टंट डाल के एक CABG होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसमें जो ब्लड ऑकुल्ड हो जाता है उसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास कर देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट को ब्लड वेसल्स वेन या आर्टरी अदर जगह से लेके और वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे पेशेंट को 60% तक रिलीफ मिल जाता है, 60 to 30% तक। फिर अपन थर्ड फॉर्म इज द एथोरेक्टमी कर सकते हैं, इसमें जो ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें ऑक्लूजन आ गया उसको हटा के दूसरी ब्लड वेसल्स को जोड़ देते हैं, इसको अपने ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर देते हैं पेरिफेरल पार्ट के अंदर। ये कॉर्नर आर्टरी है, ये नैरोइंग होगी, इसमें ब्रेटर बैलून है, ये स्टंट इसके द्वारा अपने कॉर्नर आर्टरी के अंदर बाईपास कर सकते हैं, और जो पैट है वो अपने इन्वेसिव प्रोसीजर द्वारा कर सकते हैं। असेसमेंट सब्जेक्टिव पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, चेस्ट पेन, डिप्सनिया, लेग पेन, पिलो टू द स्लीप, मेडिकेशन, लाइफ स्टाइल, डाइट मोडिकेशन, एल्कोहल यूज टू एक्सेसिव स्मोकिंग एंड नॉन मेडिकल के अंदर अपने पेशेंट को
स्टॉप स्मोकिंग के बारे में एंकरेज करेंगे, हेल्थी डाइट के बारे में एंकरेज करेंगे, जो लो कोलेस्ट्रॉल और फैट है इनके बारे में पेशेंट को बताएंगे कि आपको डाइट में लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट लेना है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए इम्प्रूव मोटिवेट करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, और जो पेशेंट को गुड प्रमोट करेंगे रिड्यूसिंग फैट बताएंगे पेशेंट को, जो रिस्क फैक्टर है उसको कैसे अपने प्रमोट कर सकते हैं। असेसमेंट जनरल अपीयरेंस वाउंड ऑब्जेक्टिव पल्स सूक्ष्म वेव डिस्टेंशन एडिमा ब्रीथिंग। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस प्री लोड आफ्टर लोड, सेकेंडरी ऑफ हीमोडाइनमिक अफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी, एनजाइटी किससे रिलेटेड है, चेस्ट पेन एंड थ्रेटनिंग एनवायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, आस्क पेशेंट टू कंपेयर द पेशेंट विद अदर पेन एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड द स्केल ऑफ 0 to 0 इज नो पेन, 10 इट वर्स्ट पेन एंड रेट करंट पेन चेक करेंगे। ऑब्जर्व द एसोसिएट साइन एंड सिम्टम इंक्लूडिंग डायफोरसिस, डिप्सनिया, प्रोटेक्टिव बॉडी पोस्चर, डस्की फेसियल कलर, लक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोवाइडिंग फाउलर पोजिशन टू द पेशेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन अगर पेशेंट को जरूरत है तो पोजीशन और ऑक्सीजन इंडिकेट, मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्टेन 12-lead ECG, एडमिनिस्टर एंटी एंजाइनल ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड वाइज नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देखेंगे, केयरफुली मॉनिटर एंड पेशेंट रेस्पॉन्स देखेंगे ड्रग थेरेपी, मॉनिटर वाइटल साइन उनके फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट देखेंगे, कीप पेशेंट ऑन बेड रेस्ट स्ट्रिक्टली, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजिशन, मॉनिटर लेबोरेटरी टेस्ट एज इंडिकेट, मॉनिटर फॉर पुअर परफ्यूजन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, वीकली पल्स, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कूल एक्सट्रीमिटी, पेल एंड डायफ्रोटिक। नेक्स्ट अपन देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन डॉक्यूमेंट ऑल असेसमेंट फाइंडिंग करेंगे, जो फिजियोलॉजिकल एंड एटियोलॉजिकल फैक्टर है उनको डिजीज प्रोसेस को देखेंगे अपने, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फैमिली रीजन, हॉस्पिटलाइज, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेप्यूटिक एडमिनिस्टर जो है, एनकरेज करेंगे पेशेंट को वर्बलाइजेशन फील एंड कंसर्न अबाउट के लिए, थ्रो द फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन कन्वे टू अ पेशेंट इन विलनेस टू लिसन, आंसर पेशेंट अ क्वेश्चन विद कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रिलीव पेशेंट एंग्जाइटी अगर पेशेंट को एंग्जाइटी तो उसको, मैनेजमेंट ऑफ इच्छी में हडी लाइफ स्टाइल, डाइटरी एक्सरसाइज प्रिवेंशन ट्रीटमेंट बताएंगे, लो फैट कोलेस्ट्रॉल क्रिएशन स्मोकिंग रेड इन मॉडरेट। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।